फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। हम जान लेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। टोटल इनकम 3180 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, 3079 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 2648 करोड़ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस के नंबर को देखे 2868 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, 2805 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2400 करोड़ थी, यानी एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर को देखे 406 करोड़ वर्सेस 319 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 254 करोड़ थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। नाउ अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट को देखें या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 349 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, 268 करोड़ थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 200 करोड़ थे। सो इनकम के बेसिस पे उतना ज्यादा जंप नहीं है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें वो है 349 करोड़, 268 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था। यहाँ पे हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं, जिस कारण प्रॉफिटेबिलिटी को हम अच्छा कहेंगे। एंड स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, बट इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बेसिस पे ये स्टॉक भागने वाला है। कुछ कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जिसमें एसआरएफ का नाम शामिल है, वहां पे दीपक नाइटर जैसे कंपनीज ने निराश किया, पर टाटा केमिकल्स के फाइनेस्ट रिजल्ट ने डेफिनेटली मार्केट में एक नया रिएक्शन क्रिएट करने वाले हैं। एंड टुमारो जब मार्केट ओपन होगा ये स्टॉक डेफिनेटली भागेगा। अगर हम इस स्टॉक के स्टैंडअलोन रिजल्ट को देखें सो उसमें भी हम देख सकते हैं टोटल इनकम 960 करोड़ वर्सेस 891 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 838 करोड़ थे। टोटल एक्सपेंसेस 747 करोड़ वर्सेस 715 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 690 करोड़ थे। एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 213 करोड़ अगेंस्ट 176 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 147 करोड़ थे। एंड प्रॉफिट 155 करोड़ जो के प्रीवियस क्वार्टर में 155 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 115 करोड़। सो इन दिस केस यू कैन सी प्रॉफिट इज फ्लैट, बट कंसोलिडेट नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट, जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने शो किया है। अगर हम आज स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें सो यू कैन सी आज स्टॉक फिर एक रेड जोन पे क्लोज हुआ 959। रिसेंटली इस स्टॉक ने हमने 1000 के ऊपर का मूवमेंट देखा, देन वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ नीचे की तरफ, वहां से सपोर्ट लेके अभी स्टॉक ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाएगा। 1000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आने वाला है टुमारो, एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता सो डेफिनेटली ये 1150 की तरफ मूवमेंट देगा, देती है, नो डाउट ऑन दैट। एंड रिजल्ट जब किसी कंपनी का अच्छा आते सो बाय ऑन डिप्स। अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता भी है, आई डोंट थिंक सो कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि टुमारो ये स्टॉक डेफिनेटली 1000 के ऊपर जाएगा। क्लोजिंग कहां पे होता है ये देखने की चीज है। सो डेफिनेटली इट्स माय फेवरेट स्टॉक, एंड हमेशा मैं स्टॉक को रिकमेंड करता हूं, एंड लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट है 1500 इन दिस पर्टिकुलर ईयर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।